दीपेंद्र हुडा ने एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती पर उठाए सवाल। 99 पदों में से केवल 22 पर ही हरियाणवी। क्या यही है बीजेपी जेजेपी सरकार का 75% आरक्षण? हरियाणा में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती के 99 पदों में से केवल 22 पदों पर हरियाणा के युवाओं की नियुक्ति किए जाने को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुडा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। दीपेंद्र हुडा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या यही है 75% आरक्षण? क्या देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर झेल रहे हरियाणा में प्रतिभाओं का इतना टोटा है? दीपेंद्र हुडा ने सवाल उठाया कि ये सब कुछ बाहर के व्यक्तियों को नौकरी देने की प्लानिंग के तहत तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि पहले हरियाणा में डोमिसाइल बनवाने के लिए 15 साल के स्थानीय निवासी होने की सीमा को सरकार ने कम कर 5 साल कर दिया, जिससे दूसरे प्रदेश का कोई भी व्यक्ति आसानी से हरियाणा का डोमिसाइल बनवा सके। और अब हरियाणा जैसे राज्य में 99 में से केवल 22 पद प्रदेश के लोगों को दिए जा रहे हैं, जो कि केवल 22.2% ही है। कभी हरियाणा की सभी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% नौकरी दिलाने की बात करने वाली जेजेपी और दूसरे राज्यों के युवाओं को नौकरी दिए जाने के मुद्दे को उठाने वाले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी आज इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि 2019 में बिजली विभाग के एसडीओ के 80 पदों में से 78 पदों पर दूसरे राज्यों के व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी, जिसे दुष्यंत ने मुद्दा बनाते हुए प्रदेश की सभी नौकरियों में 75% आरक्षण दिलाने की बात कही थी। युवाओं को रोजगार और खुशहाली की गारंटी देने वाली जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला आज इस जन विरोधी सरकार के हर फैसले पर चुप हैं, जबकि सामाजिक मुद्दों को उठाने वाले इस मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं। ऐसी एक सामाजिक कार्यकर्ता श्वेता ढुल ने भी एसडीओ इलेक्ट्रिक की इस भर्ती के मुद्दे को उठाते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 22 युवाओं में से 9 तो ऐसे हैं जो अपनी कैटेगरी को जंप कर जनरल में सिलेक्ट हुए हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन 22 युवाओं की सिलेक्शन भी कितनी मुश्किल से हुई होगी। हल्ला बोल हरियाणा।